नमस्कार। बहुत लोगों का प्रश्न ये रहता है कि मेरा विवाह कब होगा, तो विवाह के योग कैसे बनते हैं और विवाह का योग कब होगा और किस अवस्था में होगा, किन किन राशियों के लिए कब निर्धारण किया गया है शास्त्रों के अनुसार, इसका एक नियम है, एक विधान है, एक तरीका है। आप उसको समझिए और अपने विवाह का निर्णय आप स्वयं करें तो अच्छा रहेगा, किसी के ऊपर आधारित ना रहें। तो आइए जानते हैं विवाह का योग कैसे बनता है और आज की तारीख में किस किस राशि का बन सकता है और किसका नहीं, और किसके विवाह में बाधा आ रही है। इसीलिए उन जिनकी बाधा आ रही है उनको अभी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि पर बृहस्पति चल रहा है। बृहस्पति जिस राशि पर चलता है 13 महीने तक उसका विवाह होता ही होता है, ये कन्फर्म है। तो मेष राशि का विवाह का योग बन रहा है। इसके साथ ही उसके साथ बृहस्पति के साथ चांडाल योग है राहु का, तो सप्तम केतु है। इसीलिए जिनके विवाह हो जाएंगे वो समझिए भाग्यशाली हैं, उनकी कुंडली में राहु केतु बाधा उपस्थित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनके राहु और केतु मेष राशि के लिए बाधा कारक हैं, उनके विवाह 4 नवंबर के 31 अक्टूबर के बाद होंगे अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृष राशि के लिए विवाह का योग नहीं बन रहा है। मिथुन के लिए विवाह का योग पूर्ण रूप से बनता है जिनकी जन्म राशि मिथुन है, क्योंकि उनके एकादश भाव में बृहस्पति है, इसलिए इनका योग बनेगा, प्रबल योग बनेगा। और अभी लगातार जब विवाह का मुहूर्त आएगा तभी विवाह होगा, ऐसा तो है नहीं कि कभी भी हो सकता है। तो नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल से पहले पहले 2024 से पहले विवाह होगा। कर्क राशि के लिए विवाह का योग नहीं है, लेकिन जिनकी राशि जन्म की राशि कर्क है उनके लिए तैयारियां, विवाह के योग की तैयारियां चलेगी। कर्क राशि के लिए लेट होता है विवाह, सिंह के लिए भी लेट ही होता है, विलंब होता है, बाधाएं आती हैं, लेकिन अभी योग नहीं बन रहा है। अब कन्या राशि के लिए भी नहीं बन रहा है। तुला के लिए 100% बनता है और नवंबर के बाद इनके योग, सगाई पहले हो सकती है लेकिन विवाह के योग नवंबर में शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के लिए विवाह का योग नहीं है, ये गोचर के अनुसार है। आप लोग अपने नाम राशि से, कि नाम आपका अगर वृश्चिक राशि का है, आपका विवाह हो गया तो आप बोलोगे नहीं जी, हमारा तो योग बताया आपने कि नहीं है, हमारा तो शादी हो गई, ऐसा नहीं है। गोचर स्थिति कुंडली के अनुसार महादशाएं वो भी निर्भर करती हैं, लेकिन धनु राशि के लिए भाग्य कारक अच्छा समय चल रहा है, लेकिन उनकी राशि पर बृहस्पति कहाँ बैठा है उनके लिए भी विवाह के योग बनते हैं। मकर के लिए विवाह का योग अभी नहीं बन रहा है और कुंभ के लिए 100% विवाह के योग की संभावनाएं बनेंगी। कुछ बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन अंततोगत्वा विवाह होगा। मीन राशि पर अभी विवाह के योग की संभावना बहुत कम है, लेकिन नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद विवाह की संभावनाएं बहुत कम होंगी, क्योंकि मीन राशि पर राहु आएगा तो वो कष्टकारक साबित होगा। तो हम विवाह का योग देखते कैसे हैं, यानी कि जिस राशि पर बृहस्पति चल रहा हो या जिस राशि को देख रहा हो उनके विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा 11वें स्थान और 3रे स्थान में बृहस्पति हो
या सप्तम भाव में, तो गोचर में उस समय विवाह के योग उन राशियों के बनते हैं। इसके अलावा जिन जिन राशियों पर बृहस्पति गोचर में होगा वहाँ से तीसरी और सातवीं, नौवीं और एकादश, ग्यारहवीं राशि एकदम सुखद महसूस करती है। इसीलिए बृहस्पति को मुख्य बिंदु मानते हुए मुख्य गोचर ग्रहों का अधिष्ठाता है बृहस्पति। इसी के ऊपर गणना की जाती है और यही कारक माना जाता है बृहस्पति विवाह का। कन्याएं हों चाहे लड़के हों, दोनों के लिए एक ही जैसा प्रोसीजर अपनाया जाता है, क्योंकि विवाह का कारक बृहस्पति ही होता है। विवाह में बाधा डालने वाले ग्रह मंगल, राहु, शनि, ये कुछ बाधक होते हैं अगर इनकी दृष्टि या उस पर्टिकुलर हाउस में है जहाँ की विवाह का कारक ग्रह बैठा होता है। तो बृहस्पति की उपासना, बृहस्पति की पूजा, बृहस्पति का दान करने से विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आज विवाह के योग, जो जो लोगों के डिमांड पर हमने ये बात बताई है, अधिकांश लोग विवाह की बात पूछते हैं, तो अपनी कुंडली को जन्म राशि के अनुसार आकलन करते हुए अपने विवाह का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।